हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किसके ऊपर बेस्ड है? सीयूईटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले की वीडियो में ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो थी, उसके अंदर मैंने बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए और बीच में बताया था कौन सा टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे। तो वहां पर मुझसे गलती होगी, मैंने कुछ टॉपिक कहा था कि हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, यानी पहले वाली वीडियो में, लेकिन मैंने वो टॉपिक कवर कर दिया था। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में कौन सा देखेंगे टॉपिक? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का टॉपिक करेंगे, जॉइंस का। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, जॉइंस का मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद में जॉइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। मगर ध्यान देना, जॉइंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम एक ही जॉइन कवर करने वाले हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कौन सा जॉइन कवर करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस सीक्वेंस में वीडियो दी जा रही है आप उसी सीक्वेंस में देखना, और साथ के साथ सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, कोर्स तो हमारा फ्री चलेगा, कोर्स का कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन नोट्स जो है वो चार्जेबल है। कितना अमाउंट है सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, नोट्स जरूर परचेज कर लेना। तो इस वीडियो में हमें क्या सीखना है? जॉइंस का टॉपिक। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स। अब जैसा कि वर्ड बता रहा है ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का मतलब जोड़ना, दो टेबल को जोड़ के डेटा को निकालना, दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइनिंग। अब हमने क्या सीखना है? ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो यहां पर मैंने क्या करा, अच्छा पहले उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी हम दो टेबल को ज्वाइन करेंगे उसके अंदर एक कंसेप्ट यूज होगा। कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? फॉरेन की का। ऐसे सोचो, दो कंट्रीज है, दो कंट्रीज ने आपस में मतलब बातचीत करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फॉरेन मिनिस्टर्स बात करते हैं, राइट? तो यानी कि जब भी हम दो टेबल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर कंसेप्ट यूज होगा किसका? ज्वाइनिंग का। तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है, व्हेनेवर वी वांट टू ज्वाइन टू और मोर देन टू टेबल्स then the concept of foreign key comes in। तो किसका concept आ जाएगा? foreign key का। तो अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए foreign key क्या होती है, क्या पता होना चाहिए foreign key क्या होती है। तो सबसे पहले मैं explain करूंगा foreign key का concept क्या होता है। अच्छा, यहां पे लिखा two or more than two tables, दो से ज्यादा यानी 3, 3, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी टेबल से आप डेटा निकाल सकते हो, लेकिन एज पर सीबीएसई क्लास 12th के अकॉर्डिंग सिर्फ दो टेबल्स का ही सिखाया जाता है, एग्जाम में वही आएगा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो ज्यादा टेबल्स का होता है, ठीक है। और अगर जिन बच्चों के पास, जो बच्चे आगे बीटेक बीसीए करने जा रहे हैं या कंप्यूटर फील्ड में करियर बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बता दूं गैप्स क्लासेस की सीरीज बनी हुई है सी प्रोग्रामिंग की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर, आपको बहुत आसान लगेगी और दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अब हमने क्या सीखना है? सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे फॉरेन की का। फॉरेन की क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की क्या होता है? एक टेबल को दूसरी टेबल से ज्वाइन करना, तो कौन सा कंसेप्ट आएगा? फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की एक टेबल की प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में जाके क्या बन जाती है? फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने मान लो यूएसए से बात करनी है, कोई भी रिलेशनशिप करना है, मतलब कि कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर कोई भी बातचीत होगी कंट्री वाइज, तो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बात करेंगे किसके साथ? बाहर के, जिस भी कंट्री से बात करनी है, या फिर बाहर वाली कंट्री के जो भी मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होते हैं वो बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यहां के तो प्राइम मिनिस्टर है, वहां के लिए वो क्या बन गए? फॉरेन मिनिस्टर। सिमिलरली दूसरी कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होंगे वो इंडिया के लिए क्या बन गए? फॉरेन मिनिस्टर, राइट, कि बाहर से आए हैं। सेम चीज यहां पर फॉरेन की क्या होगा? फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी। तो व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की कैसे आप बनाओगे? फॉरेन की इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, यानी कि एक टेबल, एक की जो प्राइमरी की है एक टेबल में, दूसरे टेबल में जाके क्या बनेगी? फॉरेन की। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल, इट इज यूज टू ज्वाइन टू टेबल्स। Now this is very 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 important, क्योंकि students के दिमाग में question आता ही आता है जो ये important point है। क्या important point है? Name of the foreign key, foreign key का नाम and primary key का नाम।
मे और मे नॉट बी सेम, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन उनका डेटा टाइप सेम होगा, बट देयर डेटा टाइप हैज टू बी सेम। यानी कि अगर एक टेबल में प्राइमरी की है, प्राइमरी की सपोज रोल नंबर है प्राइमरी की, तो दूसरे टेबल में जाकर उसका रोल नंबर की जगह एस रोल नंबर हो सकता है, मगर डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन तभी पॉसिबल है जब टाइप सेम होगा। यहां तक क्लियर? अब आएंगे हम नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ ज्वाइंस अलग अलग होते हैं, इसके अंदर अभी मैं इक्वी ज्वाइन की बात करूंगा जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? यानी कि कमांड लिखने के लिए आएगी, बाकी जो ज्वाइंस होते हैं उसमें कमांड लिखने के लिए नहीं आती, एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो स्टार्ट करेंगे इक्वी ज्वाइन से, एग्जाम्पल से समझेंगे। यहां पर मैंने दो टेबल बना दी, एक बना दी गैप्स वन और एक बना दी गैप्स टू, ठीक है? क्या बना दी? गैप्स वन गैप्स टू। यहां पर गैप्स वन के अंदर मैंने मान लिया एस रोल नंबर प्राइमरी की है, एस रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की। तो ये दूसरे टेबल से जब डेट, इन दोनों से टेबल से डेटा निकालना होगा, ये एस रोल नंबर प्राइमरी है, तो यहां पर आके ये क्या बन गया? फॉरेन की। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है रोल नंबर नाम हो, रोल नंबर ही हो, एस रोल नंबर भी हो सकता है, जैसे यहां पे एस रोल नंबर, तो यहां पे एस रोल नंबर नहीं है, नॉर्मल रोल नंबर भी हो सकता है, लेकिन नाम मिलता जुलता ही होगा, देखते ही पता चल जाए। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने बताया ये एस रोल नंबर है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा एस रोल नंबर को सर तो कह रहे हैं प्राइमरी की है, आपको कैसे पता? टेबल को देख के पता चलता है कि कौन सा प्राइमरी की है, प्राइमरी की कौन सी की जिसके अंदर वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप क्या एंटर करोगे? जो आप ही का रिजल्ट दिखाएगा, आप अपना रोल नंबर एंटर करोगे। सिमिलरली इस टेबल को देख के कौन सी ऐसी चीज है जो हम एंटर करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, दैट इज एस रोल नंबर। तो एस रोल नंबर यहां पे प्राइमरी की है, तो यहां पर क्या बन गया? फॉरेन की। तो यहां पर क्या नाम है? रोल नंबर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? सपोज करो यहां पर है हमारा 10, मान लो ये है ए 10, ए 20, ए 15, ए 16 और यहां पर 120 150 16 है, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नाम तो डिफरेंट हो सकते हैं, डेटा टाइप डिफरेंट नहीं हो सकते। ए 10 यानी वेर कैर हो गया, सिंपल 100 क्या है? इंटीजर। तो ये हमने गलत लिया हुआ है। तो रूल सेज कि नेम डिफर कर सकता है मगर डेटा टाइप डिफर नहीं करेगा, ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 10 तो यहां पर है यहां पर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेटा टाइप पे ध्यान देना, वैल्यूज पे ध्यान नहीं दो। अब क्वेश्चन में ये दिया भी हुआ, सपोज एस रोल नंबर, मान लिया एस रोल नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ टेबल गैप्स वन, मान लो ये प्राइमरी की है, तो ये रोल नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज फॉरेन की। रोल नंबर इज द फॉरेन की इन द टेबल गैप्स टू, राइट? अब आएंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। राइट दी एसक्यूएल कमांड टू शो, हमें शो करना है नेम, फीस, सिटी, कहां से? फ्रॉम द टेबल गैप्स वन गैप्स टू, ये दोनों टेबल्स गिवन है, ठीक है? अब ध्यान देना हमें क्या शो करना है? नेम। नेम कहां पर है? गैप्स वन में। शो करना है फीस कहां पर है? गैप्स वन में। शो करना है सिटी किसमें है? गैप्स टू में। कई बार पेपर में ये फ्रॉम द टेबल नहीं लिखाएगा, या फिर लिखाएगा फ्रॉम गिवन फ्रॉम बिलो टेबल्स, यहां पे तो मेंशन कर दिया गैप्स वन गैप्स टू, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, तो आपने खुद देखना है। जैसे शो करना है नेम किसमें है? गैप्स वन में। क्या शो करना है? फीस गैप्स टू में। क्या शो करना है? सिटी गैप्स टू में, सॉरी फीस गैप्स वन में, सिटी गैप्स टू में। यानी दो टेबल से डेटा निकाल रहे हो तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब करते हैं हम आगे, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले शो करना, तो क्या लिखा? सेलेक्ट। सिंपल क्या लिख दिया हमने? दैट इज सेलेक्ट। क्या शो करना है? नेम, तो यहां पे लिख दिया एस नेम, जो कॉलम का नाम है वो मेंशन करोगे। क्वेश्चन में नेम लिखा हुआ है लेकिन टेबल में एस नेम है, तो टेबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर क्या है? फीस, तो आ गया कॉमा फीस, ठीक है? फिर क्या है? सिटी, तो ये आ गया सिटी। इसके बाद लगाओगे फ्रॉम, दोनों टेबल्स का नेम, गैप्स वन पहले गैप्स वन कॉमा गैप्स टू। आप गैप्स टू पहले लिखना चाहो तो गैप्स टू भी लिख सकते हो, वन बाद में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद अब रूल आएगा कौन सा? फॉरेन की वाला। मैंने क्या कहा था कि फॉरेन की का कंसेप्ट यूज होगा, ये प्राइमरी की है ये फॉरेन की है, तो जब भी दो टेबल से डेटा निकालोगे हमेशा वेयर लगाओगे ही लगाओगे।
वेयर किसके बेसिस पे लगेगा, वेयर लगेगा बेसिस पे, किसके बेसिस पे, फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो यहां लिखा हमने वेयर, कौन सा है एस रोल नंबर, किसके साथ कंबाइन करना है रोल नंबर के साथ, इज इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप जब वेयर लगाओगे तो एस रोल नंबर से पहले मेंशन करोगे टेबल का नाम, सिमिलरली रोल नंबर से पहले मेंशन करोगे टेबल का नाम। एस रोल नंबर किस टेबल में, गैप्स वन में, तो क्या लिख दोगे, इसको मैं थोड़ा सा उधर ले गया, ठीक है, थोड़ा सा और उस साइड कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे गैप्स वन, ये आ गया गैप्स वन डॉट एस रोल नंबर, किसके इक्वल होना चाहिए, गैप्स टू डॉट रोल नंबर के, ये हो गया हमारा गैप्स टू डॉट रोल नंबर, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया हमारा, सेमी कॉलन, लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो गलत, दिस इज वे, सॉरी मैंने लगाया नहीं, तो आप इस पे लगाना सेमी कॉलन, दिस इज वे वन, वे वन इसका मतलब इसके टोटल चार तरीके हैं, ये अभी हमने कौन सा करा, दैट इज वे वन सेमी कॉलन, ठीक है। नोट कर लो आप लोग इसको अगर करना चाहो तो, और नोट्स परचेज कर चुके तो रिक्वायरमेंट नहीं है नोट करने की। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट, आगे ध्यान दो, इसको करने के टोटल फोर वेज हैं, ये है वे वन, अब आएगा वे टू, क्वेश्चन सेम है, टेबल सेम, क्वेश्चन सेम, इसका सेकंड तरीका क्या है, हमने लिखा पहले, पहले तो मैं वही लिखूंगा नॉर्मल, सेलेक्ट एस नेम फीस सिटी फ्रॉम दोनों टेबल का नाम, गैप्स वन गैप्स टू, अब आ गया वेयर, अब वेयर के बाद क्या आएगा, ये तो सिंपल है, एस रोल नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, रोल नंबर के। अभी तक हमने इससे पहले क्या करा था, इससे पहले लगा दिया था गैप्स वन डॉट एस रोल नंबर, यहां पे लगाया था गैप्स टू डॉट रोल नंबर, तो क्या करा यहां पर, अभी मैं इसको थोड़ा सा फिर वहीं पे ले गया, इधर मैंने लिखा गैप्स वन डॉट एस रोल नंबर इज इक्वल टू गैप्स टू डॉट रोल नंबर। अब स्टूडेंट कहेगा सर पहले में और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, देखते हैं कहां डिफरेंस आएगा। यहां पर ध्यान दो, जो कॉलम्स के नेम है, इसको भी मैं थोड़ा उधर ले जा रहा हूं, कॉलम्स के नेम के साथ भी हम क्या यूज कर लेंगे, टेबल का नाम। एस नेम किसमें है, गैप्स वन में, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एस गैप्स वन डॉट एस नेम। फीस किसमें है, गैप्स वन में, तो ये क्या आ गया, गैप्स वन डॉट फीस। सिटी किसमें है, गैप्स टू में, तो ये आ गया गैप्स टू डॉट सिटी। ठीक है, पहले वाली कमांड के अंदर हमने यहां पर गैप्स वन गैप्स वन गैप्स टू नहीं लिखा था, सिर्फ यहां लिखा था, अब यहां पर भी लिख दिया, यानी कि जब हम सेलेक्ट के साथ कॉलम के नेम्स मेंशन कर रहे हैं तो भी हम टेबल का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वेयर में तो आएगा ही आएगा, दिस इज वे टू। टोटल इसके कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं, दिस इज वे टू। अब आएंगे हम किस पे, वे थ्री पर, नेक्स्ट वे थ्री, क्वेश्चन सेम, सब चीज सेम। अब कई बार ना स्टूडेंट कहते हैं सर इतने सारे तरीके हैं तो एक क्यों ना कर ले, एक सिर्फ आप इसलिए नहीं कर सकते, एग्जाम के अंदर आउटपुट लिखने का क्वेश्चन भी आता है, अगर आउटपुट लिखने का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, तो अगर आपको चारों नहीं आते होंगे तो आउटपुट निकालना नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जब वाइवा होता है, हो सकता है आपका हो चुका हो, ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं अधिकतर जगह पर, फिर भी अगर नहीं हुआ और आपका वाइवा हुआ तो एग्जाम के अंदर वाइवा में टीचर बोलेगा चारों तरीके बताओ और तरीका बताओ, तो क्या करोगे अगर आपको नहीं आता होगा, तो इसलिए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नॉलेज गैप्स क्लासेस से लेके जाओ, कहीं पर भी नहीं फंसो। ठीक है, वे थ्री, यहां पे क्या लिखा, सेलेक्ट, पहले तो मैं सेम लिख रहा हूं जो उसमें भी लिखा था, फ्रॉम गैप्स वन गैप्स टू वेयर एस रोल नंबर इज इक्वल टू दिस। अब ध्यान दो, वे थ्री क्या कहता है, टेबल का नाम जब हम लिख रहे थे तो गैप्स वन में पूरा लिख रहे थे गैप्स वन, गैप्स टू में पूरा लिख रहे थे गैप्स टू, यानी कि जब भी टेबल का नेम मेंशन कर रहे थे कंडीशन में तो हम गैप्स वन डॉट एस रोल नंबर लिख रहे थे, गैप्स टू डॉट रोल नंबर लिख रहे थे। अब यहां पर हमने स्मार्ट वर्क क्या करा, ध्यान से समझना क्या स्मार्ट वर्क करा, जो टेबल का नाम है गैप्स वन, इसके बाद मैंने लिख दिया जी वन, फिर यहां पर कॉमा गैप्स टू के बाद लिख दिया जी टू। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जी वन निकनेम बन गया गैप्स वन का, जी टू निकनेम बन गया गैप्स टू का,
यानी कि गैप्स वन को रेफर करने के लिए आप जी वन भी यूज कर सकते हो, गैप्स टू को रेफर करने के लिए जी टू भी यूज कर सकते हो। तो जो यहां पर आप गैप्स वन डॉट एस रोल नंबर, गैप्स टू डॉट रोल नंबर लिख रहे थे, उसकी जगह आप लिख दोगे यहां पे जी वन डॉट रोल नंबर। तो ये आ गया जी वन डॉट एस रोल नंबर, यानी किसकी बात कर रहा है, गैप्स वन की। यहां पर क्या आ गया, जी टू डॉट रोल नंबर, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा हमारा, सेमी कॉलन, लास्ट इज सेमी कॉलन। ये हो गया हमारा, कौन सा वे हो गया, दैट इज वे थ्री। जो भी चीज पढ़ाई जाए उसको ध्यान से समझना, ध्यान दो, हमेशा जब भी गैप्स क्लासेस में पढ़ाया जाएगा सिर्फ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपका बेस क्लियर हो, साथ साथ में एग्जाम में आप सही से अटेम्प्ट कर सको। तो जो भी चीज मैं आपको करवाऊंगा उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो एग्जाम में नहीं आए, सारी इंपॉर्टेंट चीज होगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है जो आती ही नहीं है, उसको मैं कवर ही नहीं करूंगा, ठीक है। अब आएंगे इसका लास्ट वे, वे फोर। सेम टेबल सेम क्वेश्चन, सब चीज सेम है। तो सबसे पहले तो मैं वही सेम जो लिखा था वही लिख रहा हूं, जो जो हमें शो करना है वेयर तक, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर क्या करा, अभी थर्ड वे में क्या करा हमने, गैप्स वन का नया नाम जी वन दिया, गैप्स टू का जी टू दिया। तो यहां पर भी वही लिखा, यहां पर भी वही लिखा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एस रोल नंबर से पहले लगा देंगे जी वन। तो क्या आ गया यहां पर, जी वन डॉट एस रोल नंबर, जी टू डॉट यहां पर रोल नंबर। ये तो सेम जो थर्ड में लिखा, थर्ड में हमने सेलेक्ट के साथ कॉलम के नेम लिखे, टेबल का नाम यूज नहीं करा। तो अब हम टेबल का नाम भी यूज कर सकते हैं, एस नेम की जगह हम क्या, एस नेम से पहले जी वन डॉट एस नेम, फीस किस में है, दैट इज गैप्स वन में, उसका नाम दे दिया जी वन, और सिटी किस में है, जी टू में, तो यहां पर जी टू। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उधर कर लिया इसको, इससे पहले लिख दिया हमने जी वन डॉट एस नेम, और नेक्स्ट इज जी वन डॉट फीस, जी टू डॉट सिटी, और लास्ट में क्या आ गया हमारा, दैट इज सेमी कॉलन। नाउ दिस इज वे फोर। तो अब मैं एक साथ चारों वेज दिखा देता हूं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारे सारे वेज हैं, वे वन से लेकर वे फोर तक एक साथ लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन हम तो यही रिकमेंड करेंगे गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। तो ये हो गया वे फोर। अब एक बार दोबारा से मैं चारों के अंदर डिफरेंस बताता हूं, डिफरेंस क्या है जिससे कि आप सही से समझ सको। यहां पर क्या है, वे वन के अंदर सिंपल यहां पर हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, टेबल का नाम डॉट, टेबल का नाम डॉट। यहां पर हमने ये दोनों सेम है, बस फर्क ये है एस नेम में यहां पे इससे पहले टेबल का नाम नहीं है, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो इन दोनों में तो ये डिफरेंस है। वे थ्री वे फोर में क्या फर्क है, हमने गैप्स वन का नाम जी वन दे दिया, गैप्स टू का नाम जी टू दे दिया, इन दोनों को सेम रखा, बस गैप्स वन की जगह जी वन लगा दिया, गैप्स टू की जगह जी टू लगाया। थ्री और फोर सेम है, क्या नाम दे दिया, सॉरी थ्री और फोर हाँ सेम है, इसमें क्या कर दिया, जी वन जी टू है। तो जो यहां पे एस नेम है यहां क्या लगा दिया, जी वन डॉट एस नेम, जी वन डॉट फीस, जी टू डॉट सिटी। बस ये डिफरेंसेस है, बाकी आप एग्जाम में कोई भी लिख कर आओगे तो टीचर इसको गलत कभी भी नहीं। इस वीडियो के अंदर हमने ज्वाइंस देखा, कौन सा, सिर्फ एक ज्वाइन देखा। गोइंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट ज्वाइन देखने वाले हैं, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्लेलिस्ट बनाने के लिए, प्लेलिस्ट भी हम जल्दी बनाएंगे जब हमारा पूरा कोर्स अपलोड हो चुका होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई होगी तो लास्ट में थंबनेल आएगा, थंबनेल पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम ज्वाइन देखेंगे, सेकंड टाइप ऑफ ज्वाइन, ज्वाइन के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन सिखाऊंगा अलग अलग वीडियोस में, फिर उसके बाद कंबाइन करके बताऊंगा टोटल ज्वाइंस कितने हैं, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले अगर मैं थ्योरी में चला जाऊं कि इतने इतने ज्वाइंस हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पहले मैं ज्वाइंस अलग अलग वीडियो में बताऊंगा और लास्ट में सब टोटल बताऊंगा एक शॉर्ट वीडियो में, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और साथ में दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, थंबनेल का वेट करना नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।